प्रधान ने नौकरी से निकाला तो महिला ने झांसी डीएम कार्यालय परिसर में आकर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने महिला को ऐसा करने से रोक लिया। मामला झांसी जिले के बबीना थाना अंतर्गत मानपुर गांव का है, जहां रहने वाली क्रांति नाम की महिला अपनी शिकायत लेकर झांसी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। महिला के अनुसार उसकी 6 बेटियां हैं, जिसके पालन पोषण के लिए वह गांव के प्राथमिक विद्यालय में रसोईया के पद पर काम करती थी, जिसे गांव के प्रधान ने बिना कारण बताया उसे रसोईया के पद से हटा दिया। इसका कारण जानने के लिए जब महिला ने प्रयास किया तो उसे धुतकार कर भगा दिया गया। इसकी शिकायत लेकर वह थाने पहुंची, लेकिन उसकी कोई फरियाद नहीं सुनी गई। इसके बाद वह जिलाधिकारी के पास पहुंची, जहां जिलाधिकारी से मुलाकात नहीं हो पाई। महिला को जब जिलाधिकारी से नहीं मिलने दिया गया तो महिला ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लिया। यह देख वहां मौजूद कर्मचारियों के हाथ पैर फूल गए। आनंद फानन में उससे बचा हुआ मिट्टी का तेल छीन लिया। इसकी जानकारी थाने की पुलिस सहित अन्य अधिकारियों को दी गई। सूचना पर क्षेत्राधिकारी समेत पुलिस पहुंची और मामले की जानकारी कर महिला को शांत कराया। इसके बाद डीएम स्कॉट की गाड़ी से उसे उपचार के लिए झांसी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमने फार्म नहीं डाल रखे, क्रांति प्रधान ने डाल दा तो फार्म खाना बनाते स्कूल में प्रधान ने हटा दो कह रहा हम तो मैं काम नहीं कर दे। अच्छा। अभी हाल मर जा चाहे जिंदा बनी रहे। हम तो आए परसों आए थे, झांसी एसएसपी विनोद कुमार का कहना है कि मामला संज्ञान में आने के बाद संबंधित थाने को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। महिला का आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है और वो मिड डे मील का भोजन बनाती है और ग्राम प्रधान द्वारा उसको इस कार्य से निकाला जा रहा है। इससे क्षुब्ध होकर के उसने ये प्रयास किया है। उसने आरोप लगाया है कि उसके साथ मारपीट भी की है। इस संबंध में संबंधित थाने को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं और जो भी इसमें सच्चाई होगी उसी के अनुसार इसमें आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ बीके के लिए झांसी से अमित सोनी की रिपोर्ट।